इन कांग्रेसियों ने गांधी को बेचा, इन भाजपाइयों ने विवेकानंद को हिंदुत्व के नाम पे बेचा, समाजवादियों ने भगत सिंह को बेचा, बसपाइयों ने अंबेडकर को बेचा। इन चोर पार्टियों का बहिष्कार करने की जरूरत है। अगर ये कभी भी महापुरुषों पर राजनीति करे तो इनको चप्पल निकाल के मारने की जरूरत है। किसी भी क्रांतिकारी पे जिसने इस देश के लिए किसी भी प्रकार से यातनाएं सही, जेल सहा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश की आजादी किसी के बाप की इकलौती बपौती नहीं है। जनरल विस्टा शब्द से आपत्ति है, क्योंकि यह अंग्रेजों और साम्राज्यवादियों का दिया हुआ है। इसको तत्काल बदल के स्वराज भवन, जैसे गांधी ने स्वराज की बात की, संविधान भवन, समानता भवन, इस तरह के नाम इसे चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। उन अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, और 150 साल बाद भी आप नए संसद भवन का उद्घाटन उसी नाम से करने जा रहे हो। क्या ये डिबेट की विषय वस्तु नहीं है? क्या आज भी तानाशाही हुकूमत आपकी चल रही है? यानी कहीं ना कहीं उन अंग्रेजों को ही, साम्राज्यवादी को ही मोदी सरकार विफल कर रही है। यही तो दुर्भाग्य है ना। मैं कह तो रहा हूँ कि सदन में बैठे हुए जो डकैत हैं, जिनको मैं संवैधानिक डकैत और लुटेरा कहता हूँ। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप सब देख रहे हैं जनहित आवाज। हम लोग लगातार आपको एक खबर से रूबरू करा रहे हैं कि किस प्रकार से एक महीने से लगातार जो महिला पहलवान है प्रदर्शन कर रही है धरने पर है। तमाम तरह के लोग जो हैं, कभी खा पंचायत, कभी किसान नेता और तमाम विपक्षी दल यहाँ पे उनके समर्थन में आए हुए हैं। भीम आर्मी से लेके खा पंचायत तक सारे लोग आए हैं। और अभी जो है मेरे साथ कुछ लोग हैं मौजूद, ये उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कैसे देख रहे हैं। आप भी लगभग एक हफ्ते से यहाँ हैं जी, किस तरीके से इस धरने को देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये एक आम कॉमन मैन का ये रिवॉल्यूशन है, और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अब सिर्फ ये ब्रशलेस का रिवॉल्यूशन नहीं रह गया है। ये आंदोलन सिर्फ पहलवानों का नहीं, पहलवान बेटियों का नहीं है, ये अब आम जन का लोक चेतना को जगाने का आंदोलन बन गया है। क्योंकि किसी की बेटी हो, चाहे आप भी एक बेटी ही हो, आप भी किसी की बेटी होगी, ये भी किसी की बेटी ही है, सवाल ये है कि हमारी बेटियों की कब तक बलि चढ़ती रहेगी। ये तो बस उदाहरण है कुछ चंद बेटियों का, महिला रेसलर्स का, जो इतनी मतलब ताकतवर हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन बेटियों को कि इस IT के युग में उन्होंने 7 साल बाद भी कम से कम इस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। पहले तो उनकी जो है FIR दर्ज नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद और हस्तक्षेप के बाद, मीडिएशन के बाद किस तरह दिल्ली पुलिस ने FIR की। अब इश्यू ये है कि पास्को की FIR दर्ज होने के बाद भी ब्रजभूषण जैसे दबंग लोग, जो माफिया लोग हैं, जिनका एक बड़ा प्रभाव है, बल है, वो लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा इशू है कि सरकार इस पर कोई दबाव बनाने के लिए तैयार नहीं है। ब्रजभूषण यानी पूरी सरकार बता रही है। आपने फिर ब्रजभूषण पे बोला, ब्रजभूषण तो तमाम तरीके की बोल रहे हैं कि हमें हमेशा ट्वीट कर रहे हैं कि हम जो है नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, हम जो है पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं, वो तमाम तरीके की टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो, दिक्कत ये है, पहली चीज़ तो ये है कि जिसके अंदर सत्य होता है वो सत्य का सामना करता है। आपने सत्य की बात कही तो आपको मैं एक बात और कहती हूँ, उन्होंने लिखा था प्राण जाए बचन न जाए, और भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी थी, सत्य की जीत होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे कानून का जो वे है, लॉ ऑफ ऑर्डर है। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति के लिए दूसरा कानून होगा उसी IPC में, और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा होगा? तो अगर जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको पास्को हम बोलते हैं, तो पास्को में FIR दर्ज एडमिट करने के बाद गिरफ्तारी का प्रावधान इसलिए है कि जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, या फिर जो भी ऑफेंसिव है, वो उस प्रभावित बच्ची को, प्रभावित जो नाबालिग बेटी है, उसको धन से, बल से, मानसिक तरीके से प्रेशर बना के प्रभावित न कर से, ताकि वो बच्ची बयान से ना पलटे, इसीलिए उसमें तत्काल यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित है। जब पास्को दर्ज होने के बाद भी 1 महीने बीत गए और ब्रजभूषण गिरफ्तार नहीं हुए, तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि वो इन बेटियों पे दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और पूरी सरकार इसमें, बगल में आपके प्रधानमंत्री जी हैं, अभी दौरे से आप ही गए होंगे, आने वाले होंगे, पूरी सरकार यहाँ बगल में है आपकी, और उसके बाद भी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल दीजाल आर कॉन्स्टिट्यूशनल रावर्स। जब इन लोगों को मना किया गया था, PT उषा और जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने भी कहा था कि आप लोग जो अनुशासनहीन कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, रोड पे इस तरीके से बैठना शोभनीय नहीं है, हम लोग आपके लिए कुछ करेंगे, तो फिर इनको विश्वास रखना चाहिए था। बिल्कुल नहीं विश्वास रखने योग्य चीज़ है। हम कह रहे हैं हम ही पीड़ित हैं, और हम ही को ही आप लिंगर कर रहे हैं, लिंग आउट कर रहे हैं, तो ये इशू नहीं था। सवाल ये है कि जो सत्य है, अगर आप वाकई में सरकार के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री या खेल मंत्री हैं, तो आपको त्वरित रूप से इस कार्रवाई करते हुए FIR एडमिट करा के दूध का दूध और पानी का पानी खोलने की आवश्यकता थी। लेकिन आपने चूंकि सीधे सारे आश्वासन इसीलिए थे कि मामला लिंगर करे, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है, और ब्रजभूषण जैसे लोग की जिम्मेदारी भी तो बैठाई गई थी, जिसमें
की बबीता फोगाट भी थी। अच्छा ये बताओ आप कमेटी, उस कमेटी बैठाने का मतलब क्या है, जहाँ इतने बाहुबली व्यक्ति जिसको पूरी सरकार नहीं झुका पा रही है, जो पूरी सरकार मिलके उसको प्रोटेक्शन दे रही है, वो कमेटी क्या कर लेगी? वो भी तो कमेटी, पीटी उषा कौन है? आज तो होने दीजिए, कानून पे विश्वास तो रखिए। बिल्कुल कानून पे विश्वास है, लेकिन ब्रजभूषण जैसे लोगों को कानून पे विश्वास नहीं, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको राष्ट्रीय स्तर का इशू बना रहे हैं? तो बोला है कि अगर जेपी नड्डा या गृह मंत्री या मोदी जी कह देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। यही तो दुर्भाग्य है ना, मैं कह तो रहा हूँ कि सदन में बैठे हुए जो डकैत हैं, जिनको मैं संवैधानिक डकैत और लुटेरा कहता हूँ, 80% तो क्रिमिनल ही है, जिनके ऊपर रेप, हत्या, मर्डर, यही सब तो 80% के ऊपर FIR है। यूपी मॉडल फॉलो होना चाहिए जी। यूपी मॉडल तो हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ पे तो कम से कम योगी जैसा एक व्यक्ति है जो इनको ठिकाने लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि योगी जी पे इशू ही नहीं ना, योगी जी के प्रदेश में FIR जो इनके ऊपर इस तरह की रहती तो बिल्कुल कार्रवाई होती। लेकिन योगी जी की भी एक ट्वीट नहीं आई है इनके समर्थन में, क्यों? देखिए अब जो भी है वो कैसे देखते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रभावित है। मैं कह रहा हूँ कि शुरू से लेकर ब्रजभूषण को बचाने के लिए पूरी सरकार केंद्र की लगी हुई है, जब केंद्र की सरकार लगी है तो राज्य सरकार। आप कह रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं और जो लोग हैं उनको समर्थन करने वाले वो कह रहे हैं ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनके पीछे कांग्रेस है। अच्छा ये बताओ बेटी, अगर तुम्हारे ही साथ गलत हो जाए और आप अगर अकेले प्रदर्शन करो तो क्या वहाँ पे जो लोग आपको समर्थन देने आएंगे, आप उनका आइडेंटिटी, आपको उनका नार्को टेस्ट कराओगे क्या कि ये कैसे हैं? किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर भाजपा का भी अगर कोई यहाँ नेता आता समर्थन देने इन बेटियों को, ब्रसल्स को, तब भी हम लोग उसका स्वागत करते। संदीप करके कोई वहाँ की पहलवान है, उनके साथ हरियाणा में इसी तरीके का मामला एक और हुआ है और सारे शायद इन लोगों को मालूम नहीं है, हरियाणा के कुछ लोग यहाँ पे हैं शायद उनको मालूम नहीं है कि आज फिर एक और मामला आया है, कल परसों में एक और हरियाणा से ये मामला है कि तो ये सारे जो मामले आ रहे हैं इन्होंने आवाज उठाया है। ये यही चीज मैं कह रहा हूँ कि बेटियाँ बड़ी ही ताकतवर हैं, बड़ी हिम्मत वाली हैं, ये आज अपनी आवाज उठा के इस देश की हजारों लाखों बेटियों को, क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ इन बेटियों का आंदोलन नहीं है, ये प्रत्येक बेटी प्रत्येक माँ का आंदोलन है, एक एक माँ एक एक बेटी इस आंदोलन को बहुत गौर से देख रही है। अगला पड़ाव 28 तारीख का है। तीसरी चीज जो मैं सबसे बड़ी बात करना चाहूंगा, 28 को ये महिलाएं जाके वहाँ पे जिसको आप क्या करें, महिला मंच पंचायत जो नया लोकसभा का भवन है, संसद भवन है, उसका उद्घाटन करेंगी। तो मेरा आपसे एक आग्रह ये है कि ये जो जिसको आप लोग सेंट्रल विस्टा कह रहे हैं, मुझे तो इस सेंट्रल विस्टा शब्द से आपत्ति है। अब देखो सेंट्रल विस्टा शब्द जो है ये 150 साल पुराने, ये उन्हीं साम्राज्यवादी हुक्मरानों का शब्द है दिया हुआ, जो अधिनायकवादी थे, उन अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है, और 150 साल बाद भी आप नए संसद भवन का उद्घाटन उसी नाम से करने जा रहे हो, क्या ये डिबेट की विषय वस्तु नहीं है? क्या आज भी तानाशाही हुकूमत आपकी चल रही है? यानी कहीं ना कहीं उन अंग्रेजों को ही साम्राज्यवादी को ही मोदी सरकार भी फॉलो कर रही है, तो मुझे इस शब्द से आपत्ति है। दूसरा मुझे जो आपत्ति है, ये जो देश है जन गण, तो इस देश के का प्रत्येक नागरिक जन भी है और गण भी है। राहुल गांधी ने इन पे कह दिया सावरकर के बच्चे हैं ये सारे। नहीं, मैं राहुल गांधी का नहीं जानता, मैं जो कह रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को मैंने आज लेटर लिखा है, ये जो देश है जन और गण का, ये देश है और गण के प्रभारी जनगण के प्रभारी राष्ट्रपति हैं, न कि प्रधानमंत्री। तो पहली चीज तो मुझे इस सेंट्रल विस्टा शब्द से आपत्ति है, क्योंकि ये अंग्रेजों और साम्राज्यवादियों का दिया हुआ है, इसको तत्काल बदल के स्वराज भवन, जैसे गांधी ने स्वराज की बात की, संविधान भवन, समानता भवन, इस तरह के नाम, इससे चर्चा होनी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में, और तब एक नामकरण करना चाहिए। दूसरी चीज क्या थी कि ये जो जन और गण के प्रभारी हैं वो हमारे राष्ट्रपति भी हैं। जो आपका लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, या फिर जो आपकी सरकार बनती है, तो राष्ट्रपति उसका प्रथम इकाई है, उसके बाद चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उसके बाद तमाम कार्यवाही के बाद सरकार बनती है और सदन बनता है और लोकतंत्र बनता है, आपकी डेमोक्रेसी फॉलो होती है। तो गण और तंत्र का प्रथम प्रभारी राष्ट्रपति है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे जो संवैधानिक मर्यादाएं जो चली आ रही हैं, जो 1947 से हमारा संविधान 1950 में अडॉप्ट हुआ, आप उसको चकनाचूर कर देंगे। सावरकर को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। उन्होंने मतलब उसी किस तरीके से क्या मानते हैं सावरकर? अभी राहुल गांधी ने बोल दिया है कि सावरकर जो है सावरकर के बच्चे। किसी भी क्रांतिकारी पे जिसने इस देश के लिए किसी भी प्रकार से यातनाएं सही, जेल सा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश की आज़ादी किसी के बाप की इकलौती बपौती नहीं है। जितना संघर्ष गांधी ने किया उतना ही संघर्ष कीमती उनका भगत सिंह का भी है, जितना भगत सिंह का है उतना ही सुभाष चंद्र बोस का ही है, उतना ही नेहरू जैसे 17 साल नैनी जेल में काटने वाले क्रांतिकारी का भी है, भले वो बाद में सरकार में राजनीतिक हो गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सावरकर भी उसी क्रांति परंपरा में थे, उनके दो दो भाई काला पानी जेल का उन्होंने फेस किया। काले पानी जेल की सजा में आप जानती हैं कि मनुष्य को बैलों की तरह
चलवाया था चक्का, उनको यातनाएं जाती थी, दवाएं दी जाती थी उनका बल कम हो जाए, उनसे कोलू चलवाया जाता था। तो ऐसे किसी भी क्रांतिकारी पे चाहिए कोई भी दल है, क्योंकि इन कांग्रेसियों ने गांधी को बेचा, इन भाजपाइयों ने विवेकानंद को हिंदुत्व के नाम पे बेचा, समाजवादियों ने भगत सिंह को बेचा, बसपाइयों ने अम्बेडकर को बेचा। इन चोर पार्टियों का बहिष्कार करने की जरूरत है। अगर ये कभी भी महापुरुषों पर राजनीति करे तो इनको चप्पल निकाल के मारने की जरूरत है। तो कौन है, जैसे कि आपने तमाम लोगों के बारे में आप कहा कि बीएसपी ने सबने बेचा, किसी ने हमारे महापुरुषों को नहीं छोड़ा, इन्होंने राजनीति की विषय वस्तु बना दी। तो इन जूताखोरों से कह दीजिए ये किसी भी महापुरुष को राजनीति में न घसेटें, ये अपने मुद्दे की बात करें, अपने पॉइंट की बात करें कि ये क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सदन में बैठे हुए 70% चोर और डकैत और बेईमान लुटेरे बैठे हुए हैं, इन लुटेरे से देश की आजाद कराने की जरूरत है, और वो तभी संभव होगा जब रिवोल्यूशन आए। फिर से क्रांतिकारी भगत सिंह आपके शरीर से भगत सिंह पैदा हो, ये बहन बेटियां भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा करें, और वो आके बताएं कि चरित्र क्या होता है, ईमानदारी निष्ठा क्या होती है। फिर गांधी पैदा हो, हमको आपको गांधी बनना होगा, तुम्हें ज्योतिबा फूले बनना होगा, तुम्हें लक्ष्मीबाई बनना होगा, मुझे भगत सिंह बनना होगा, इन चोरों को साफ करने के लिए। और इसके लिए हमको बम चलाने की जरूरत नहीं है। बम फिलासफी का मतलब ये नहीं था कि भगत सिंह ने कहा कि बम से मार देना, उन्होंने एक फिलासफी दी थी, यह अंग्रेजों है साम्राज्यवादियों, अगर अब भी तुमने अगर हमारे देश का बलात्कार और भ्रष्टाचार और लूटना बंद नहीं किया, हम एक, उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के हाथों एक राष्ट्र लूटा जा रहा है, आज के सदन में बैठे हुए चोर इस राष्ट्र को लूट रहे हैं, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे जैसे क्रांतिकारी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं, एक दो पॉइंट आपके जैसे भी लोग हैं जो इनका बहिष्कार करते हैं, लेकिन 80% वो लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी क्या, क्योंकि इन्होंने उन लोगों को चूतिया बना के उनको नपुंसक बना रहे हैं। ये लोग 10 किलो 20 किलो राशन 5 किलो 1 यूनिट दे के उनको, ये 2000 रुपया दे के उनको निकम्मा बना रहे हैं, बेंजुला बनाने जा रहे हैं भारत को। ये इनकी अगर इतनी हिम्मत है, ये रोजगार के मुद्दे पे क्यों नहीं काम करते? स्थिति आम आदमी से जाके पूछो कि यहाँ तक आने के लिए आदमी के पास किराया है कि नहीं है। आप जैसी एक युवा पत्रकार यहाँ पे संघर्ष कर रही है, आपकी क्या इनकम है, आप जानती हो कैसे सर्वाइव करती हो, और ये चोर लुटेरे हमारे ऊपर टैक्स लगा के GST जैसा काला कानून लगा के, हवा तेल नमक पानी दवा पे GST, जो जीवन का मौलिक अधिकार है, जो ऑक्सीजन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आप मर जाएंगे आपको कोरोना हो जाएगा, उस पर भी 14% GST ले रही है सरकार। और ये निकम्मी सरकार रोजगार की बात करती है इन चोरों को, ये निकम्मी बनाने वाली सरकार को बनाएंगे सरकार। आप तो एक लगातार आपने सब लाइन की मेरी मुहिम है रिवोल्यूशन, जो भी खाओ सबका, गाओ सबका, वोट मारो बागियों को, मैं ऐसे कह रहा हूँ, निर्दलों को मारो, कोई भी नौजवान आए, इन सारे चोरों का खाओ, यदि चुट्टी पर चुट्टी पार्टियां हैं, इन सारे चोरों का खाओ, और इनको गाओ भी, इनका जिंदाबाद भी करो, और जूता निकाल के पटक के नोट एक बार वोट मारो, ईमानदार किसी लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी को मार दो, इन चोरों को मत जिताओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि लोग जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे महापुरुषों पर राजनीति करते हैं, अंबेडकर पर राजनीति करते हैं, जितने भी सबके महापुरुष, गांधी पर राजनीति करते हैं, नेहरू पे राजनीति करते हैं, आजाद पे, चंद्रशेखर आजाद पर राजनीति करते हैं, ये बंद होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि महापुरुषों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जितने भी जो पार्टियां हैं उनको छोड़ के कोई नया चेहरा आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरी खबर पे क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए।